आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने किया बनास डीआर के नए प्लांट का उद्घाटन, 600 करोड़ में हुआ तैयार। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बैठक में 14 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, पिछले 24 घंटे में 1247 नए केस दर्ज। जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा, मस्जिद के इमाम के फोन पर शोभा यात्रा में पहुंचा था अंसारी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ के एनएक्सी भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, वहीं मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक के बाद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जानकारी दी गई कि बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव भी पास हुए हैं। साथ ही लैब टेक्नीशियन के खाली पद भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा आगरा मथुरा प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण भी होगा। उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए यूपी सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शोभा यात्रा निकालने से पहले आयोजकों से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी। अनुमति भी केवल उन्हीं को दी जाएगी जो परंपरागत तौर पर निकाली जाती हैं। कोरोना का बढ़ता ग्राफ देश भर में टेंशन बढ़ा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1247 नए केस सामने आए हैं। बीते दिन 928 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 मामले सामने आए, इनमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल नोएडा में 411 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जहां दिल्ली में सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 501 केस मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां विधानसभा चुनाव में हुए बूथों पर वेब कास्टिंग का घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित इस घोटाले के खिलाफ जिलाधिकारी सीतापुर को भी प्रार्थना पत्र दे चुका है और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की जा चुकी है, जिसके बाद से ही घोटालों में संलिप्त अधिकारी पीड़ित पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। मेरी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी थी वेब कास्टिंग में, हमें सूचना मिली थी कि 1200 रुपये प्रति किट मिलेगा और उसके बाद ग्रुप पे डाल दिया गया कि प्रति 600 रुपये किट मिलेगा। और उसके बाद जब किट जमा होने की बारी आई तो शाम को फोन किया गया दूसरे दिन किट जमा होगी। हमको तो शंका हुई कि इसमें दिक्कत कुछ होगी। फिर दूसरे दिन जब जमा करने गए तो वहाँ दो किटों के 200 रुपये दे 600 रुपये दे रहे थे। तो इसकी जानकारी जब हमने जिलाधिकारी को दी, मगर शाम तक कोई वहाँ से निर्णय नहीं आया। शाम तक फोन पहुंचा कि भैया आप मेरे घर किट दे जाकर 1200 रुपये ले लो आके। तो दूसरे दिन जब हमने एप्लीकेशन कई पेपर में खबर निकलवाई और उसके बाद ये एप्लीकेशन हमने जिलाधिकारी को दी। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां नवागत जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जनपद के कोषागार के डबल लॉक में चार्ज लिया। कोषागार के डबल लॉक का चार्ज ग्रहण करते समय मुख्य विकास अधिकारी अक्षय वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों का परिचय लेते हुए कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और उसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश की औरैया में पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां एक तरफ आईपीएल में सट्टे का नाम काम करने वाले सट्टोरियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं कोर्ट में पेश किए गए आरोपियों को चोटिल हालत को देखकर उनको मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल देखकर न्यायाधीश ने कोर्ट में
सीएमओ को तलब किया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। कुल चार लोग न्यायालय के आदेश पे भेजे गए थे और उनका मेडिकल परीक्षण करा गया, जिसमें साधारण चोटें पाई गई और उनको उनका मेडिकल यहाँ पर संपन्न। एक बच्चा आईपीएल का काम करता है, कभी कभार करता है, लोग इसे मानता भी नहीं, हालांकि उसको हम रोकते वो नहीं मानता, लेकिन कल जो है ये पकड़ा गया। वहाँ अन्य लड़का है, उनके यहाँ घर पर पकड़ा गया, वहाँ पे इनके घर से उनको पकड़ ले गए, रुपए जो था वो ले गए, सामान ले गए, वहाँ का टीवी घर का सामान, लड़कियों के फ़ोन, लेडीज़ के फ़ोन, ये सब ले गए रात में। एसटीएफ वाले सामने रेफर किया, इनको दोबारा मेडिकल कराया जाए, उनको जेल भेजा जा रहा है दोबारा। तलब किसको किया गया कोर्ट से? तलब लोग बता रहे हैं, वकील साहब वो कहें कि इनको सीएमओ को तलब किया है और उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है एसपी को। निर्देशन में पूरे जनपद में सबोलियों अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एसओजी और हमारी थाना सीमावर्ती पुलिस द्वारा कल रात में सबोलियों के खिलाफ अभियान करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 24 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्घाटन जनपद के एआरटीओ और जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की नसीहत भी दी गई है, साथ ही नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित किया गया है। ये परिवहन विभाग के द्वारा जो है ये चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से प्रारंभ हो करके रविवार तक चलेगा और हर 3 माह बाद यह सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसमें लोगों को जो है कि जागरूक किया जाता है, लोगों को जानकारी दी जाती है कि कैसे आप जो है यातायात नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएँ कम होंगी, जिससे समाज के देश के सुरक्षा संपत्तियों का भी जो है कि हमारा जो बचाव होगा। बताया गया कि यातायात जितने नियम हैं, सीट बेल्ट को लगाएं, निश्चित रूप से पहने और हेलमेट को पहने और तेज गति में गाड़ी न चलाएं, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। तीन बिंदुओं को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोगों को जागरूक करने में सफल होते हैं, निश्चित रूप से न तो केवल गाजीपुर प्रदेश देश में भी जो है इसकी संख्या। व्हील लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय नायक चंद्रशेखर मैराथन समिति ने हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के कई जनपदों से पहुंचे 512 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस रेस के दौरान पहला स्थान पाने वाले को 1,00,000 का पुरस्कार राशि, दूसरा स्थान पाने वाले को 51,000 और तीसरा स्थान लाने वाले को 25,000 की नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया है। हम लोग चौथी चंद्रशेखर हाफ मैराथन का आयोजन जीवातपुर प्रधानमंत्री की जयंती पर आयोजित किए गए, जिसमें 512 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और इसमें एक फ्रांस के तो घायल थे लेकिन उन्होंने प्रतिभाग किया है। उसके बाद बलिया से बच्चे रहे, बनारस से रहे, गाजीपुर से रहे, उसके बाद झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के जायस जगदीशपुर मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कानपुर से यात्रियों को लेकर जगदीशपुर जा रही एक तेज रफ्तार रायबरेली डिपो बस पेड़ से टकराकर
पलट गई। वहीं गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ उस दौरान बस में केवल 5 यात्री सवार थे, जिसमें से 3 लोग चोटिल हो गए हैं और ड्राइवर और कंडक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इस हालत में देखते हुए गाजीपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कन्नौज के हरसेरन क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में घास फूंक के बनी झोपड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक किसान की झोपड़ी जलकर राख हो गई। इधर पूजा कर रहे थे बैठे, अकस्मात एकदम ऊपर से मड़ैया जलन लगी आप, और ये तो कोई तिनका इनका भाई लटकत हो भाई जान, अपने आप लगी आग, जानी ना हमने कितने घना लग गई, जब कोई कारण पता हमें नहीं मालूम, हमें को अब बल के जब आग खूब जोर भयंकर रूप धारण कर तब तो हम मड़ैया बाहर निकल पाए। आप मौके पर थे यहाँ? पूर्वी पाकिस्तान से 50 साल पहले आए निर्वासित हिंदू परिवारों को अब उत्तर प्रदेश में खेती की जमीन और मकान के लिए सौगात मिली है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र बांटे और कहा कि पहले की सरकारें इन हिंदू रिफ्यूजियों को लेकर संवेदनहीन बनी रही, लेकिन हमने मानवता की मिसाल पेश कर इन्हें पुनर्वासित करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पट्टे बांटते हुए ये भी कहा कि इन्हें सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां छात्रों ने कैंपस में मार्च निकाला, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की, आरएसएस को बैन कराने के नारे भी लगाए। छात्रों ने कहा देश में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, साथ ही छात्रों ने धार्मिक नारे भी लगाए और दिल्ली हिंसा के मामले में कल हुई मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठाए गए। छात्रों ने कहा कि उनको लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। सर, किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ छात्रों द्वारा और मेमोरेंडम भी दिया गया है, क्या है डिमांड? उसमें लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है और इसमें इन लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से कई जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के ख़िलाफ़ है और प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि किस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो, इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई कानूनी इकदाम हो उसको किया जाए। प्रोटेस्ट हमारा, हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस मुकद्दस महीने की जो मुकद्दस हम लोगों के लिए है, हम इसको पवित्र महीनों को खूबसूरती से गुजार लें, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हमको ये गुजारने नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मस्जिदों पर भगवा फहराएंगे, तुमको अजान नहीं पढ़ने देंगे, लाउड स्पीकर। आज से 74 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर क्या हिंदू नहीं था या उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी? तो क्यों आज क्यों इसकी जरूरत पड़ गई कि हम सबको इस माइक को उतारने के लिए कहा जा रहा है और मीडिया में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 1.5 मिनट की आवाज जो है ये हिंदुस्तान में पहले नहीं बजती थी या 2 मिनट की होनी चाहिए। मैं उन सब से पूछ रहा हूँ, तुम 74 साल पहले जिंदा थे कि नहीं थे? क्या तुम्हारी उम्र आज 2 ही साल की हुई या 1.5 दिन की हुई है? सबसे पहला। और दूसरा सवाल ये है कि अंसार को क्यों विक्टिम बनाया है, जो वहाँ के लोगों ने बता रहे हैं कि यहाँ पर बंदा गया था कि यहाँ पर जो झगड़े हो रहे थे उसको रोकने के लिए, और इसी तरीके से राजस्थान चले जाइए। संभल में 18 से 24 अप्रैल के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह का शहर से शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रोडवेज, बस अड्डा, बहजोई यातायात पुलिस बूथ का भी उद्घाटन किया गया, साथ ही लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया और सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई। खबर संभल से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी महोदय मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से परिचय किया। जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश भी दिए। सर्वप्रथम कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि जनपद में 15 थाने, 1 महिला थाना और 8 गैंगस्टर नए चयनित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।